हेलो अंजुले, ये था 14th CEC आइस हॉकी कप और ये जो मैच फाइनल मैच था तो ITBP और लद्दाख स्काउट्स के बीच में ये खेला गया और लद्दाख स्काउट ने 2 पॉइंट्स से इस मैच को अपने कब्जे में किया। और आज का जो वीडियो बनाने का दोस्तों, एक्चुअल में मैं आपको आइस हॉकी कैसा होता है वो दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अंत में हम कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस पॉइंट को भी आप सुन लीजिए ताकि इस वीडियो के बनाने का पर्पज़ पूरा हो सके। तब तक अपना मैच का एंजॉय कीजिए। सी यू अगेन।
Oh!
सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप के रनर अप टीम आईटीबीपी ट्रॉफी और 15,000 रुपीज का चेक। आईटीबीपी 14th सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप के रनर अप और 14th सीईसी चैंपियनशिप के विनर लेट अस स्टार्ट। और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मेहमान खसूसी जितने भी इस मैच को यहाँ पे देख रहे हैं करता हूं दोस्तों कि आपको ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आपने समझ लिया होगा कि आइस हॉकी कैसे खेला जाता है, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इनके पास जो फैसिलिटीज़ था, जो रिंग था सबसे पहले, तो वो बहुत शानदार था और इनके पास जो इक्विपमेंट्स था वो भी मतलब वर्ल्ड क्लास था। तो डेफिनेटली इनके जोश और जज्बे, ऑफकोर्स इट वॉज सो नाइस, सो इंटरेस्टिंग। और आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस वो ये है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का जो यू नो फैसिलिटीज़ है, इस तरीके का नहीं बट इससे थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन इस तरीके का जो बेसिक फैसिलिटीज़ मुझे लगता है कि हमारे लद्दाख के हर रीजन में होना चाहिए। चंगथंग में होना चाहिए, नास्कर में होना चाहिए, सुरू में होना चाहिए, द्रास में होना चाहिए, चिकतन में होना चाहिए, ऑफकोर्स नानुब्रा में होना चाहिए, ताकि हमारे हर यू नो जो रूरल एरिया में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उन बच्चों को भी इस तरीके का फैसिलिटीज़ मिले, राइट, ताकि वो कल को लद्दाख को रिप्रेजेंट कर सके। लद्दाख को ही क्यों, कल को वो अगर उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलता है, बेस्ट ट्रेनिंग मिलता है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। वैसे में भी आइस हॉकी में इंडिया को हमारे लद्दाख के ही बच्चे तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो डेफिनेटली वी हैव दैट टैलेंट, हमारे पास वो काबिलियत है, बस हमें अपने बच्चों को नरिश करना है, हमें उनको ट्रेनिंग देना है, उनके टैलेंट को पहचानना होगा, ताकि हम इस गेम में यू नो एक्सपर्टीज़ को यानी इस गेम में हम यू नो एक्सपर्टीज़ को पैदा कर सकें। मेरा मतलब है कि यू नो इस आइस हॉकी में हम लीड कर सकें पूरे इंडिया में, राइट, क्योंकि हमारे पास वो एज है, हमारे पास एक जो जिस ऑल्टीट्यूड पे हम रहते हैं, जिस टेम्परेचर में हम रहते हैं, हमें मतलब इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस टेम्परेचर में खेलना मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कोई बड़ा इशू है नहीं, है ना। तो डेफिनेटली हमारे हर गाँव में रिंक बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही है ना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं, नेचुरल रिंक बनाया जा सकता है, और बस हमें क्या करना है, बच्चों को ये जो आइस स्केटिंग शू जो बोलूँ या स्टिक जो बोलूँ, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है कुछ, वो हमें प्रोवाइड करनी है बस, बाकी बच्चे खुद ना खुद संभाल लेंगे। और जैसे जैसे हमें लगता है कि जो भी बच्चा काफ़ी सीरियस है, काफ़ी यू नो उनमें वो जो इस टाइप का जो टैलेंट या स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली हमें उनको सिलेक्शन करके उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए। इस तरीके से हम ऑफकोर्स यू नो इंडिया में लद्दाख से बहुत सारे आइस हॉकी खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोस बोलूँ या ये जो मैच काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ देंगे। बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।